नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग आज की रेसिपी है एमपी का फेमस नाश्ता पोहा जो हमेशा अगर आप एमपी में कहीं भी रहे होंगे या फिर रहते होंगे तो ये रेसिपी और ये नाश्ता आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है लेकिन कई जगहों पर इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है तो वैसे ही मैं इसको आज बटाटा पोहा बना रही हूँ मतलब इसमें थोड़ा सा आलू ऐड करूँगी साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा उज्जैन का टेस्ट भी दूँगी मतलब कि मेरी जो मामी हैं वो उज्जैन की हैं उन्होंने मुझे बताया था कि इसको अगर थोड़ा सा अलग टेस्ट देना है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप एडअप कर सकते हैं तो यहाँ पर एक मीडियम साइज का मैंने आलू लिया है जिसके पीस को मैंने बहुत छोटे छोटे किया है जिससे कि अगर हम आलू को फ़्राई करें तो वो बहुत जल्दी से पक जाए बहुत ज़्यादा टाइम ना लें तो आलुओं को मीडियम मतलब छोटा छोटा और पतला पतला कट कर लें लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं थोड़े से बड़े पीसेस आप रहने दें अब हम इसको पानी में डालकर रख देंगे थोड़ी देर के लिए साथ ही मैंने प्याज भी कट कर लिया था और हरी मिर्च अब हम इसको थोड़ा सा कढ़ाई में घी ऐड करेंगे आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं लेकिन घी सेफ होता है तो घी में ही बनाइए बहुत कम घी लगता है अब हम घी में हम मूंगफली के दाने को ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक और पक जाने तक फ्राई कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इस पूरी रेसिपी में बहुत ही कम घी लगेगा आप इसको घी में ही ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है और ये ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से चटक चुके हैं पूरे मूंगफली के दाने अब हम इनको निकाल लेंगे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे अब हम वापस ही जो हमने घी ऐड किया था अब हम एक्स्ट्रा घी नहीं ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और अब जो हमारे आलू हैं उनको ऐड कर देंगे तो आलू को ऐड डा, डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करते जाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि नमक हमें हम हमें बाद में भी ऐड करना है सिर्फ़ आलूओं के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे एक से दो बार अच्छी तरीके से आलूओं को मिला देंगे और इनको एक से दो मिनट अभी खुले में ही फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसको ढक कर रख देंगे जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और ये अच्छे से पक नहीं जाते नमक हमने डाला है तो ये जल्दी से पक जाएंगे जब तक हम अपना पोहा भी भिगो लेते हैं तो यहाँ पर ये मेरे पास में दो तरीके का स्ट्रेनर है ये आपको फ़्लिपकार्ट में ईज़िली मिल जाएगा तो इसमें अगर आपको जब कोई चीज़ छाननी है धोनी है तो आप इस वाले पोर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ अलग से रखनी है तो आप इस वाले पोर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें मैं अभी पोहा ऐड कर रही हूँ तो पोहा हम दो से तीन लोगों के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप पोहे की क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं आप पोहे को हम हल्के हल्के हाथों से दो से तीन बार धो लेंगे ये मैं जाड़ा पोहा इस्तेमाल कर रही हूँ अगर आप जैसा भी पोहे की क्वांटिटी क्वालिटी अलग अलग होती है तो उस हिसाब से पोहा फूलने में भी टाइम लेता है और कोई कोई पोहा थोड़े में ही फूल जाता है तो आप उस हिसाब से पोहे को फुला सकते हैं इसमें रख देंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा शुगर मतलब कि खट्टा मीठा चटपटा टेस्ट देने के लिए ना आप इसको ज़रूर से ऐड कीजिए क्योंकि जब उज्जैन में पोहा बनता है ना तो इसी तरीके से बनता है तो बस पोहे को रख देंगे यहाँ पर हम अपने आलू भी चेक कर लेते हैं और ये देख सकते हैं आप गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हल्के हल्के से तो अगर आपको लगता है तो हम थोड़ा सा चेक करके बता देते हैं आपको तो ये चाकू से ईजिली कट रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए बस अब हम इसको डाल देंगे और जिसमें हमने मूँगफली के दाने रखे थे उसी में हम इसको डायरेक्ट रख लेंगे तो आप इस पोहे को किस हिसाब से बनाते हैं मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा अब देखिए मैंने उसी कढ़ाई में वापस से घी ऐड किया है लेकिन जिसमें मैंने मूंगफली के दाने ऐड किए थे उसमें मूंगफली के दाने और आलू हमारे दोनों अच्छे से फ्राई हो चुके थे अब हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसमें राई डालेंगे करी पत्ते ऐड करेंगे इनको अच्छी तरीके से चटक जाने देंगे अब हम डालेंगे पतले पतले स्लाइसेस प्याज के तो प्याज की जो स्लाइस है ना वो लंबे ही कट कीजिए पोहे में लंबे स्लाइसेस बहुत अच्छे लगते हैं और हम डाल देंगे तीखी वाली हरी मिर्च इन इनको अच्छी तरीके से मिला देंगे और लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे मतलब कि हमें जो प्याज है ना उसमें थोड़ा सा कच्चापन चाहिए थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है वरना जल जाएगा पोहे में बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि अब हम आगे मसाले भी डालेंगे तो ये ऑलरेडी फ्राई हो जाएगी तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको 60 से 70 परसेंट फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ा सा मसाला देने के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर डाला है सॉरी और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है आप इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए नमक स्वाद के हिसाब से डाल देंगे मिला देंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे वरना सारे मसाले जो हैं जल जाएंगे अब मसाले डालने के बाद हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है पोहे को बस एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भूल लेंगे अब हमारा जो पोहा है उसको ऐड कर देंगे जो कि सारा पानी इसका निकल चुका है अब मैंने यहाँ पर एक नींबू डाला है पूरी तरीके से निचोड़ के अब शक्कर हमने ऑलरेडी डाल दिया था नमक भी डाल दिया था और नींबू खट्टेपन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आपने नहीं ट्राई किया है वैसे तो पोहा बहुत ही नॉर्मल चीज़ है हर किसी के घर में बनती है सभी लोग ट्राई भी करते रहते हैं बस मूँगफली और हमारा बटाटा डाल देंगे हरा धनिया डाल देंगे गैस का फ्लेम लो रख देंगे जिससे कि जो हमारा पोहा है बहुत ज़्यादा सूखे नहीं और लो फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आपस में और आप देखेंगे एकदम खिला खिला पोहा बना है बहुत ज़्यादा चिपचिपा बहुत हलवा जैसा पोहा नहीं बना तो पोहे को धोते समय आप याद रखें कि आप कैसे पोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बस ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है और देखिए बहुत ही टेस्टी है खिला खिला गर्मा गर्म, -गर्म पोहा हमारा बनके तैयार है ढक देंगे तब तक हम अपनी चाय वगैरह बना लेंगे क्योंकि नाश्ते का समय है तो पोहा चाय ये तो फेमस है ही है तो आप इसको इन्जॉय कीजिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाय बाय